साहब, वो एक दो नहीं, पूरी की पूरी फौज आई है रिपोर्टर की। थांबा थांबा, किस किस को संभाले? मैं देखता हूँ, पांच मिनट। ओ साहब, कुछ और देखा आपने? कुछ और बता सकते हैं उनके बारे में? क्या पहना हुआ था उन्होंने, कैसे थे वो लोग, कुछ बताइए हमें। कुछ भी रॉबर्स है ना, वो हॉस्टेजेस से यही कह रहे थे कि उन लोगों को मारेंगे नहीं, वो गोल्ड कैश वो सब लेके चले जाएंगे, लेकिन किसी को कुछ नहीं करेंगे। क्या क्या वेपन्स है उनके पास, कुछ किया और उन्होंने? किसी का चेहरा देखा आपने? जी हाँ। आपने चेहरा देखा उनका? हाँ इंस्पेक्टर, वो मेरे सामने था, ऑब्वियसली मैंने चेहरा देखा उसका। गॉड, आप लोग बहुत लकी हैं जो आप जिंदा आ गए बाहर, लेकिन जो आप लोग अंदर हैं उनकी जान को खतरा है। ये क्रिमिनल्स का चेहरा अगर कोई देख ले तो वो उसको जिंदा नहीं छोड़ते। इंस्पेक्टर, लेकिन मेरा बेटा अंदर है, वो ऋषि मलिश का अंदर है। प्लीज कुछ जल्दी कीजिए ना। अरे ऐसे कैसे रुके, कैसे प्लान बना रहे हो? सोचने दीजिए सर को। आप बैंक मैनेजर है ना? जी। बैंक के ब्लूप्रिंट कभी भी पब्लिक डोमेन में नहीं होते। आपकी इन्फॉर्मेशन से हम बैंक का ब्लूप्रिंट बनाएंगे। अब हमें सारी इन्फॉर्मेशन दीजिए, कैश काउंटर, लॉकर काउंटर, मैनेजर काउंटर, एवरीथिंग, सब कुछ आप बताएंगे, हम ड्रॉ करेंगे उसे। क्या चार्जेस को बुला के रहो बाबूराव? अहो साहब, अहो साहब। उससे पहले मुझे कुछ आपको बताना है सर। सबसे पहले अपने लॉकर रूम की मास्टर की निकालो। वो चाबी जो आपकी फ्रेंड की बेटी ने फेंक की थी, वो आपके ड्रॉर की थी, वो लॉकर के मास्टर की नहीं थी? हाँ, मास्टर की ये है, और उनके पास थी मेरे ड्रॉवर की चाबी जो मलिशा ने बैंक के पीछे फेंक दी थी खिड़की से बाहर। ये लड़की कहाँ है, कैसे गई बच के बैंक से? ये इसकी बीवी है लक्ष्मी, ये जो ऊपर छुपी हुई है। लक्ष्मी, मेरी बात सुन, रुक जा। क्या ऋषि? अरे क्या ऋषि, ये आवाज़ें तेरा नाम ले रही है, तुझे बुला रही है, चिल्ला रहे तुझ पे, गुस्सा है तुझ पे, जीजू पे नहीं। तू चिंता मत कर, कुछ नहीं होगा सर, सब ठीक है। सब ठीक नहीं है शानू, तूने देखा ना कैसे चिल्ला रहे थे वो लोग, कैसे चिल्लाया उसने अभी अभी। अगर उसने गुस्से में आके ऋषि को कुछ कर दिया तो? कुछ नहीं होगा ऋषि जीजू को, और वो चोर कोई वीडियो शीडियो देख ली होगी इसलिए इतना गुस्सा हो रहा है, बस और कुछ नहीं है, कोई न्यूज देख ली होगी, दैट्स इट। न्यूज? क्या वो उसे पता चल गया कि वो वीडियो मैंने बनाया? जी तू कौन से वीडियो की बात करी शानू? वो मेरे पास फोन था ना, तो यहाँ कहीं भी नेटवर्क नहीं आ रहा था, तो मुझे ना वहाँ पर एक खिड़की दिखी, मैं खिड़की के ऊपर चढ़ गई थी और मैंने फोन बाहर निकाला तो वहाँ पर नेटवर्क आ गया, तो मैंने ना फटाफट से एक वीडियो बना लिया जिसमें मैंने बोला कि हम यहाँ बैंक ऑफ सेविंग्स में फंस गए और यहाँ पर बहुत सारे गुंडे और उन्होंने हमें हॉस्टेजेस बना के रखा है, सब कुछ बता दिया और वो वीडियो अपलोड कर दिया, तो शायद वही देखी। तू कितनी बहादुर और स्मार्ट है, बिल्कुल बाबूजी जैसे। मुश्किल वक्त में तूने सही फैसला लिया, और एक सही फैसला ले, चल दी छुपते हैं चल। लेकिन शालू क्या नीचे सब है? वही वही मैं बोल रही हूँ दी, सब नीचे है, जीजू के साथ में है, कुछ नहीं होगा जीजू को। और तू दिल से नहीं दिमाग से सोच जैसे तू हमेशा सोचती है। देख अगर हम नीचे जाएंगे तो वो गुंडे हमें गंदे खा के नीचे बैठा देंगे, हम कुछ नहीं कर पाएंगे फिर। अगर हम छुप जाए तो हम सोच सकते हैं ना क्या करना है क्या नहीं, है ना? ठीक है कुछ सोचते हैं चल। एक मिनट, अब तक उन क्रिमिनल्स को ये पता लग गया होगा कि वो चाबी आपके ड्रॉर की है, लॉकर की, मास्टर की नहीं, और अब तक वो समझ चुके होंगे कि चाबी आपके पास है, तो यानी इस चाबी के लिए वो बाहर कॉल करेंगे और नेगोशिएट करेंगे मुझसे। पाटिल जल्दी से जल्दी बैंक का एक एक कोने का ब्लूप्रिंट चाहिए मुझे, लॉकर, समझा ना? जी साहब। मैडम एक एक डिटेल, एक एक चीज बताइए बैंक की, ये पूरा आपका स्केच बनवाएगा। जी इंस्पेक्टर, आप तो कह रहे थे ना कि अंदर जानलेवा हमला हो सकता है, उनके साथ कुछ भी हो सकता है, उन्हें जान से भी मार सकते हैं, राइट? पर ऐसा हुआ तो? देखिए मैडम 50-50 चांसेस हैं अभी, अभी कुछ बाजी हमारे हाथ में भी है, ये ट्रम्प कार्ड है हमारे पास, लॉकर की, मास्टर की। लॉकर पाटिल। जी सर। जी मैम, ये बैंक का मेन गेट से शुरू करते हैं, इसके बाद क्या क्या है आप मुझे डिटेल में बताइए। उसे हाथ मत लगाना प्लीज, मैं नहीं आ रहा, मैं यहीं पे खड़ा हूँ, प्लीज छोड़ दो उसे प्लीज।
बिताना है अपनी वफाओं से तुझे सजाना है दिल चाहता है तुझे कितना बताना है हाँ तेरे साथ ही मेरा ठिकाना है कौन है यहाँ कौन कौन इंचार्ज कौन है मैडम वो हमारे सिंह साहब उधर खड़े हैं इंस्पेक्टर इंस्पेक्टर ये हाथ क्या दिखा रहे हो हमारा बेटा है अंदर वो हॉस्टेज है और करिश्मा भाभी करिश्मा थैंक गॉड तुम ठीक हो आयुष ऋषि मतलब सब ठीक भाभी एक्चुअली वो दोनों बैंक के अंदर ही हैं वो बाहर नहीं आ पाए वो अंदर है और तुम बाहर कैसे आई और वो दोनों अंदर कैसे रह गए हम सब बाहर आ रहे थे पर पता नहीं क्या हुआ वो लोग रह गए और मैंने पीछे मुड़कर देखा आज सातवां दिन है बाहर की दोष बहुत प्रचंड है आज हमारे बेटे को लोहे सिखाते हैं और तुमने उसे वहाँ छोड़ दिया हमारा भाभी बेटा कुछ समझ में नहीं आ रहा था उस टाइम और पता नहीं कैसे हो गया हम खुद जाकर इंस्पेक्टर से बात करते हैं भाभी बस भाभी एक मिनट ये तो वीरेंद्र ओबरॉय है ओबरॉय रेजिडेंट के मालिक ए दोनों को सामने ले क्या ए चल बहुत हीरो बन रहा है तू बचाएगा सबको चल बचा बता किसको बचा चल बता सबसे ज्यादा प्यार किसको करता है एक ना वरना दोनों जिंदा नहीं रहेंगे बोल सिखात हेल मैन ये गेम होता है मेरा स्टिक मैन ऐसे गेम खेलता कोई जान के बेसिस पे अरे यहां पे मैंने तो सोचा ही नहीं था ये गेम है क्योंकि मुझे तो सच में जानना है ये सबसे ज्यादा प्यार किससे करता है पर अब गेम तो गेम सही और वैसे भी मैं तो इंस्पेक्टर के कॉल का वेट कर रहा हूँ और तब तक के लिए टाइम पास के लिए कुछ तो चाहिए भाई इतना टाइम क्यों ले रहा है बताएगा सबसे ज्यादा प्यार किसे करता है मलिष्का से या लक्ष्मी से बता भाई इतना टाइम क्यों लगा रहा है या उसके लिए भी तीन तक काउंट करूं मलिष्का I love Malishka. फिर तो खेल खत्म अब सुनो मैंने क्यों पूछा था क्योंकि मुझे सच में जानना था ये सबसे ज्यादा प्यार किससे करता है क्योंकि उसे ही मैं गोली मारूंगा What? हाँ क्योंकि मुझे किसी को बाहर भेजना है लॉकर की मास्टर की लेने तो मैंने सोचा ऋषि को भेजूं पर इसे वापस बुलाने के लिए मुझे कोई तो बेट चाहिए जिसके बदले ये वापस आएगा चाबी लेकर अपने प्यार को मरने थोड़ी देगा है ना ऋषि रखो गन इसके सर पे और मैं ऋषि को बाहर भेजता हूं और अगर ये चाबी लेके नहीं आया
तो शूट कर दूंगा इसको। अरे इसके सर पे नहीं, इस लक्ष्मी पर। तू क्यों आया है? तू भी ना कभी कभी बहुत जिद करता है। सिचुएशन तो देख लिया कर कम से कम। मुझे सिर्फ आपको देखना है ऋषि भाई, सिर्फ आपको देखना होता है। आप टेंशन मत लेना ऋषि भाई, देखना सब ठीक हो जाएगा। होपफुली सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन सब कुछ ठीक नहीं है आयुष। आई मीन यहाँ की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे जो हो रहा है उस चीज की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अपनी खुद की बात कर रहा हूँ। मेरी लाइफ तो बस उलझती जा रही है यार, कुछ भी ठीक नहीं हो रहा है। एक सिंपल सा फैक्ट है कि मैं मलिष्का से प्यार करता हूँ, लेकिन पूरी दुनिया को ऐसा लगता है, उस पूरी दुनिया में तू खुद भी है, तुझे भी ये लगता है ना कि मैं लक्ष्मी से प्यार करता हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है यार। मैं बस लक्ष्मी की बहुत ज्यादा केयर करता हूँ। उसे कुछ होता है ना तो मुझे बहुत बुरा फील होता है, उसके दिल में अगर दुख होता है ना तो मुझे भी, मेरे दिल में भी पता नहीं कुछ। ये कार्ड मैं मलिष्का के लिए लेके आया था, और ये कोई ऑर्डिनरी कार्ड नहीं आयुष, इसमें जो कुछ भी लिखा है ना ये मेरी फीलिंग्स है, जो मैं जेन्युइनली फील करता हूँ मलिष्का के लिए, वो सब लिखा है इसमें। हाँ पर ये कार्ड था आपके पास? हाँ क्यों? और आपको एग्जैक्टली पता था कहाँ रखा, तभी बिना फिट के निकाल लिया ऐसे? ये हाँ कार्ड यार, अब समझा मैं। क्या क्या समझे? कि मैंने लक्ष्मी को ऐसा क्यों कहा कि अब मुझे नहीं पता। क्या 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 नहीं पता? तूने ये कार्ड लक्ष्मी को दिया था ना? हाँ? और मलिष्का को ये बात पता चल गई थी, और मलिष्का चाहती थी कि ये कार्ड मैं लक्ष्मी से वापस लेकर आ, लेकिन जब मैं कार्ड वापस लेने के लिए गया जबकि मैं नहीं चाहता था, तो मैंने देखा कि लक्ष्मी एक कार्ड पढ़ रही थी यार, और वो बहुत ज्यादा इमोशनल थी। और ऐसा नहीं है कि मैंने लक्ष्मी को कभी इमोशनल नहीं देखा, या फिर उसकी आंखों से आंसू गिरते हुए नहीं देखे, लेकिन इस बार कुछ अलग ही था यार। बहुत ज्यादा इमोशनल थी, मैं तुझे इनफैक्ट वर्ड्स में बता भी नहीं सकता कि वो क्या फील कर रही थी यार। क्या देखा आपने? मैंने देखा कि उसकी आंखों में ना बहुत दर्द था, बहुत बहुत दुख हो रहा था उसे, बहुत ज्यादा इमोशनल थी वो। और इस कार्ड में वो सब है जो मैं मलिष्का के लिए फील करता हूँ, लेकिन जब लक्ष्मी को देखा ना ये कार्ड पढ़ते हुए, तो उसकी आंखों में देख के ऐसे लग रहा था कि वो इस कार्ड में लिखी हुई हर बात, हर फीलिंग मेरे लिए फील करती है। जो जो इस कार्ड में लिखा है वो मेरा दिल महसूस करता है तुम्हारे लिए। ऐसा लगा कि मैं लाई हूँ ये कार्ड तुम्हारे लिए। यार लक्ष्मी का दिल तोड़ दिया मैंने, और एक बात और समझ में नहीं आ रही कि कोई इंसान किसी से इतना प्यार कैसे कर सकता है। बहुत ज्यादा प्यार करती है वो मुझसे। और हाइट दे क्या, लक्ष्मी ने ये कार्ड पढ़ा और मुझे वापस कर दिया, और कहा कि ये कार्ड उसके लिए नहीं है, मलिष्का के लिए। मैं हाँ भी नहीं कह पाया आयुष, तभी मैंने कहा था कि अब मुझे नहीं पता। भाई दैट मींस आप लक्ष्मी से प्यार करते हो? लेके जाऊंगा, मुझे भेजा उन लोगों ने। तुम जाओगे अंदर? पागल हो गए हो तुम कहीं नहीं जाओगे। मॉम कैसी बातें करो, मुझे जाना होगा, मुझे भेजा है रॉबर्स ने बाहर चाबी लेने के लिए। हाँ तो तुम अंदर कैसे जा सकते हो वापस? वो बैंक रॉबरी हो रही है, गुंडे अंदर, तुम पागल हो गए? मॉम अंदर, मैं अकेला नहीं छोड़ सकता उन लोगों को, मुझे जाना होगा। तुम कहीं नहीं जाओगे, तुम बस घर चलोगे। आप घर चलोगे? ऑप्शन नहीं है कुछ भी मेरे पास, मुझे जाना होगा चाबी लेके अंदर, नहीं तो लोग लक्ष्मी को मार देंगे। मॉम तुझे कुछ हो गया तो? कुछ नहीं होगा मॉम, लक्ष्मी को थ्रेट देके ही भेजा है मुझे यहाँ पे बाहर चाबी लेने के लिए। अगर मैं नहीं गया ना तो वो लोग लक्ष्मी को छोड़ेंगे नहीं। मॉम प्लीज अब मुझे मेरे जाने से जरूरी है। चाबी का अंदर जाना जरूरी, तुम्हारा जाना जरूरी नहीं। इंस्पेक्टर मॉम, चाबी तो कोई भी ले जा सकता है ना, हमारे बेटे का जाना। मॉम ये पॉसिबल नहीं है, मुझे ही जाना होगा। मॉम प्लीज। नहीं मेरा चुप, एकदम चुप, कुछ नहीं बोलोगे तुम अंदर नहीं जा सकते बस। मॉम मुझे ही जाना होगा अंदर, वरना मैं ही जाऊंगा। मॉम मैं जाऊंगा अंदर। नहीं जाओगे ऋषि, तुम समझ नहीं रहे हो, कुछ हो गया तुम्हें तो हम कैसे जिएंगे? मॉम कुछ भी नहीं होगा मुझे, ट्रस्ट में कुछ भी नहीं होगा। वो रॉबर्स ना कुछ भी नहीं बिगाड़ेंगे हमारा, वो सिर्फ चोरी करने के लिए आए, बैंक रॉबरी करेंगे, कैश लेंगे, वो चले जाएंगे वहाँ से, वो लोग टेररिस्ट नहीं है, कुछ नहीं होगा, ट्रस्ट में। वो कौन है क्या है हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम बेटे हो हमारे, वापस कैसे जाने दें तुम्हें? मॉम प्लीज ट्रस्ट मी, कुछ नहीं होगा। तुम सिर्फ हमारी बात सुनो, देखो तुमने खुद कहा ना टेररिस्ट नहीं है वो, तो टेररिस्ट नहीं है तो किसी को भी कुछ नहीं कहेंगे, मलिष्का को, आयुष को, लक्ष्मी को, किसी को कुछ नहीं करेंगे, किसी को कुछ नहीं होगा, हम प्रे करेंगे भगवान से, लेकिन तुम नहीं जाओगे। मैं समझ रहा हूँ मॉम, मेरा जाना जरूरी है मॉम, प्लीज प्लीज मेरा जाना जरूरी है मॉम, मॉम प्लीज ट्रस्ट मी, कुछ नहीं होगा मॉम, मैं जाऊंगा अंदर लक्ष्मी। तुम समझ नहीं रहे हो हमारी बात, तुम समझ ही नहीं रहे हो, तुम नहीं जा सकते। आप बोलिए ना, आप बोलिए ना। आंटी मैं अंदर जा सकता हूँ? योगेश तुम? मैं इसी बैंक में जॉब करता हूँ,
और ऋषि भाई ने इतना कुछ हमारे लिए किया है तो अरे मैं अंदर जाऊंगा। ये बिल्कुल ठीक है, तुम चले जाओ अंदर। मुझे मलिष्का की चिंता हो रही है। जो कुछ भी हो रहा है ना, लक्ष्मी ने मेरी बहुत हेल्प किया अंदर, और मेरा जान जरूरी है। लक्ष्मी की जान बचाऊंगा तो सिर्फ मैं बचाऊंगा, और कोई नहीं। मेरे अपनी जान बचाओगे, तुम किसी की जान नहीं बचाओगे, तुम हमारे साथ घर जाओगे। मैम आप समझ क्यों नहीं रहे, मेरा जान सर। और हम लोग बुरे लोग नहीं है, हम अच्छे इंसान है। भगवान भी बुरा नहीं करेगा, भगवान भी हमारा साथ देगा। प्लीज मॉम, प्लीज एक बार मेरी बात सुन लो, प्लीज मेरा जान सुन लो, प्लीज प्लीज मॉम, प्लीज ट्रस्ट मी। देखो तुम नहीं जानते हो आज का दिन ना तुम्हारा कैसे समझ आए। बार-बार कह के थक गए हैं, लेकिन चाबी इंस्पेक्टर, चाबी प्लीज ये लो। ये जितना खतरनाक है उससे भी ज्यादा चालाक, ये सारे हॉस्टेजेस को पकड़ कर यहाँ से दूर ले जाएगा और वहां जाके उन्हें मार देगा। तो ऑप्शन नहीं है हमारे पास, इससे पहले वो कुछ करे हमें कुछ करना होगा। अंदर जा रहे हैं हम, जल्दी तैयारी करो। हो सर। और अगर हम सामने से अंदर गए तो वो अंदर से हमें देख लेगा, जैसा कि बैंक मैनेजर ने बताया कि पीछे की खिड़की है, पीछे से जाएंगे। लेकिन साहब अगर हम अंदर जाएंगे तो रोबर्स को हम यहाँ नहीं दिखाई देंगे और उन्हें पता चल जाएगा कि हम कोई प्लान एग्जीक्यूट कर रहे हैं, इससे हॉस्टेजेस की जान को खतरा हो सकता है। आई नो बटर, इसी के लिए प्लान भी तैयार है, मैंने दूसरी टीम बुला ली है। हो सर। डोंट वरी। बोलना तुम्हें था क्योंकि 5 मिनट कब के पूरे हो चुके हैं, दिमाग खराब कर दिया तुमने। ये तो होना ही था क्योंकि 5 नंबर अभी अभी लकी से अनलकी हो गया तेरे लिए। ओ, ये तो सूरी बदल गया तुम्हारा। अच्छा समझ गया, मैं दूर जाके बात करता हूँ तुमसे। क्या है ना, सबके सामने ऐसी बात नहीं होती। बताओ क्या रेट है तुम्हारा, इसलिए सुर बदला ना क्योंकि तुम्हारा हिस्सा ऑफर नहीं किया मैंने। दूंगा। बताओ क्या रेट है। मेरा रेट लगाएगा तू? ना तो सिंह बिकाऊ है और ना ही ये वर्दी। और एक बात और, सिंह एक बार बोलता है जो नहीं समझा तो तोड़ता है। तुझे तो मैं ऐसा तोड़ूंगा फिर कभी वर्दी का रेट नहीं लगा पाएगा तू। तेरी हड्डियां गिन गिन के तोड़ूंगा और सबसे पहले तेरा ये हाथ तोड़ूंगा जिस हाथ में तूने फोन पकड़ा है। सीधे हाथ में फोन पकड़ा है ना तूने। छोड़ दो सबको, दरवाजा खोलो और जाने दो। पढ़ो लेकिन जोर से, ऊंची आवाज में। जिन लोगों के हाथ में गन है उसमें से कुछ होस्टेजेस हैं और कुछ मेरे आदमी। हमें गाड़ियां दो, हम चुपचाप चले जाएंगे, कोई खून खराबा नहीं होगा। एक जीप और एक दो कार जिनकी चाबियां गाड़ियों के पास रख दो, वरना एक एक की मौत की जिम्मेदारी पुलिस की होगी और मौत यहां सबकी होगी, कोई नहीं बचेगा। सबका वेलविशर मास्क मैन। डोंट शूट, कोई गोली नहीं चलाएगा। गन नीचे। बताइए सर अब इनका क्या करना है। चाबियां ले लो और गाड़ियों के पास रख दो। गुड। 3 काउंट में सब मास्क पहन लेना। 1 2
हमें इस ऋषि का जैकेट चेंज करना पड़ेगा क्योंकि इसी में ये बाहर गया था। अब अगर ऐसे ही जाएगा तो इसे हर कोई पहचान लेगा। वेरी गुड भुवन, इसके लिए 1% एक्स्ट्रा। ए, अपना जैकेट निकालो। एक काम करो, तुम उसका जैकेट पहन लो, खुश हो जाओ। अरब पति है ये लड़का। एक आखिरी बार समझा रहा हूं, अगर बाहर किसी ने कोई कर्तव्य दिखाया तो हम पुलिस पर फायरिंग शुरू कर देंगे और जवाब में पुलिस भी हमें मारेगी, फिर कोई नहीं बचेगा। क्या यार बानी, क्या यार, क्या कर रही है? क्या ये? मुझे तो लगा था सबसे स्ट्रॉन्ग तू है। अरे नहीं, बोला नहीं है। तू ना तू प्रे कर, क्योंकि छोटों की प्रेयर्स में ना बहुत ताकत होती है। एक बात बताऊ सीक्रेट, हम छोटे भाई बहनों के पास ना एक सीक्रेट पावर होती है, डायरेक्ट कनेक्शन उससे। तो इसलिए जब अपने बड़े भाई बहनों के लिए कुछ करने को बोलते हैं ना उसको, तो वो करता है। डोंट वरी। एक और बात बताऊ, ये बड़े भाई बहन बनाया ना भगवान ने, ये हमारे लिए बनाया है, हमारी केयर करने के लिए। तो फिर हमें कैसे छीनेगा उनसे, है ना? नहीं छीन सकता। मेरे लिए ऋषि भाई और तुम्हारे लिए शालू और लक्ष्मी भाभी। और लक्ष्मी भाभी को कुछ नहीं होगा, अरे फाइटर है वो। देखना वो खुद भी ठीक होगी और मेरे ऋषि भाई को भी कुछ नहीं होने देगी। इसलिए नो रोना नो धोना, ओनली पॉजिटिव स्माइल। स्माइल मानी, तुम्हारी स्माइल ही लक्ष्मी भाभी की ताकत है, इसलिए जस्ट स्माइल। ओके, खुश होगा। थैंक यू। इसलिए पानी को हिम्मत देने के लिए। सबसे छोटी है ना वो और सबसे प्यारी, 2 मिनट में रो लेती है ये, और फिर इसे संभालना मुश्किल हो जाता, खास करके माँ बाबू जी के जाने के बाद। सुना है तेरे दिल, अरे तुम खुद को संभालो। ओके, लिखा है देखो ना मेरी आँखों में, तुम छिपा है मेरा ख्वाब छिपा है, कैसे बता कितना जानू मैं तुम्हें। वैसे तुम तीनों बहनों में सिर्फ तुम ऐसी क्यों लड़ाकू सी, इमोशनल क्यों नहीं हो तुम, और ये आंसू क्यों नहीं आते तुम्हें? मैं लड़ाकू नहीं हूँ। नहीं हूँ। और मैं इमोशनल हूँ, जिसके सामने होना होता है उसके सामने होती हूँ। क्रिटिकल है, खून बहुत निकल गया है। दादी मत रोइए, शांत हो जाइए, सब ठीक हो जाएगा। मैंने नहीं बात करनी आपसे, ऐसे दुख देते हैं बच्चों को कि उनकी जान पर ही बना है, और मुझे जिंदा भी रखा है ये सब देखने के लिए। अगर मेरे बच्चों का बाल भी बांका हुआ ना, तो मैंने अपनी जिंदगी भर की पूजा और आस्था वापिस ले लेनी है। नहीं दादी, ऐसा मत बोलिए, ऐसा कुछ नहीं होगा। आप देखिए ना भाई को ना भाभी को, आपका आशीर्वाद है उनके साथ और हम सब का इतना प्यार और दुआएं, उनको कुछ नहीं होगा दादी। लेकिन दिस इज नॉट फेयर भगवान जी, आखिर क्यों हमेशा आप अच्छे लोगों को इतना दुख दर्द क्यों देते हो, उनके साथ ही इतना बुरा क्यों? आप ही ने किया ये सब कुछ, अब आप ही को सब कुछ ठीक करना होगा हम सबके लिए। गुहार लगाते हैं इनसे और देखते हैं कैसे नहीं सुनेंगे ये हमारी, इन्हें सुनना पड़ेगा, मेरे बच्चों को ठीक करना पड़ेगा।
मेरे बच्चों को ठीक कर दो है। कैसे है वो? ऋषि ओबेरॉय की कंडीशन कैसी है? क्रिटिकल है, खून बहुत निकल गया है। दीदी वो ठीक है, तू ठीक है ना, तो उनको क्या होगा? कुछ सेकंड्स के लिए भी अगर वो अपनी आंखें खोल देता है तो वी कैन सेव हिम, वरना जान को खतरा है। गोली लगने से तो बच गया है ऋषि, खून बहने से बचाना हमारे लिए एक चुनौती बन जाएगी। एक्सक्यूज मी, कहा था हमने, सबसे कहा था, बार बार कहा, हमारे बेटे की जान खतरे में, हमारे दोष प्रचंड में, आप सबसे कहा, एक बार नहीं बार बार कहा था, दोहराया था, पर किसी ने नहीं सुनी हमारी, और नतीजा देखी, हमारा बेटा वहां अंदर अपनी हमने ऋषि से भी कहा था आज रुक जा, आज के दिन घर से ना जाए, पर उसने तो ठान रखी है कि वो अपनी माँ की सुनेगा ही नहीं। आपने देखा, सुना ना डॉक्टर ने क्या कहा, गोली ऋषि के दिल के करीब लगी, कोई चमत्कार हो, किसी ने ऋषि को धक्का मारा, वो धक्का लक्ष्मी ने मारा था, चमत्कार लक्ष्मी ने किया, लक्ष्मी ने जान बचाई हमारे बेटे की एक बार फिर। अब समझा बार बार क्यों कहते हैं कि ऋषि की जिंदगी के लिए लक्ष्मी जरूरी है। हाँ करिश्मा, किरण, मलिष्का, अब समझे तो बराती, वो चुप करो एकदम चुप। ये सब जो हो रहा है ना, तुम्हारी बेवकूफी की वजह से हो रहा है। मेरी वजह से हुआ? हाँ तुम्हारी वजह से। तुम ही चाहती थी ना कि ऋषि तुम्हारा हो जाए, छोड़ दे लक्ष्मी को और तुमसे शादी कर ले, राइट? देखा नतीजा, मौत के मुंह में हमारा बेटा। अब तुम एक बात अच्छी तरह से समझ लो, ऋषि की जिंदगी में किसी और लड़की को आने ही नहीं देंगे आप, चाहे फिर कुछ भी हो जाए, और वो लड़की कोई भी हो, तुम भी। लक्ष्मी आएगी ऋषि की जिंदगी में, सिर्फ लक्ष्मी आएगी, किसी भी कीमत पर, किसी भी सूरत में। ऋषि की जिंदगी में लक्ष्मी को हम वापस लाएंगे। आंटी, आप बोल कर रहे हो, मतलब आप मेरे ऋषि की शादी नहीं होने दोगे क्या? एक साल कहा था ना तुमसे, बस एक साल वेट कर लो, फिर हम खुद अपने बेटे की शादी कराएंगे तुमसे। पर पता नहीं तुम्हें कौन सी भाषा समझ में आती, किस लैंग्वेज में बात करें तुमसे। अब एकदम क्लियर, साफ साफ शब्दों में तुमसे कह रहे हैं, अपने बेटे की जान बचाने के लिए हम कुछ भी कर सकते, हम खुद की भी नहीं सुनेंगे उसकी जान बचाने के लिए, समझी तुम? वाह, कुछ तो बात है, आपने कमाल का हिप्नोटाइज करते हैं आप सबको। नो वंडर नीलम आंटी आपकी बातों में आके फंस गई। मलिष्का, नो आंटी, कम ऑन, लुक एट हिम, कहानियां बनाए जा रहे हैं, आई एम नॉट इंटरेस्टेड, मुझे नहीं जानना इसे मार्केश और के बारे में। तुम समझ भी नहीं पाओगी, मैंने कहा ना इसको समझने के लिए मन और मस्तिष्क दोनों शांत और परिपक्व होने चाहिए। प्लीज, आप बड़े हैं इसलिए मैं आपकी रिस्पेक्ट कर रही हूँ, बहुत ज्यादा तुम कर रही हो मलिष्का, तुम अपनी लिमिट क्रॉस कर रही हो। किरण समझाओ अपनी बेटी को, ये इस तरह से पंडित जी से बात नहीं कर सकती, पंडित जी सिर्फ बड़े ही नहीं, पूजनीय है हमारे, इनका अपमान मतलब हमारा अपमान है। आंटी तुम क्या मानती हो क्या नहीं मानती हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, आई डोंट केयर,
पर इन पंडित जी की हर बात पर विश्वास करते हैं, हमें पूरा भरोसा है इन पर, इसलिए अब जो कुछ भी बोलो सोच समझ कर बोलना, वरना अगर हमने लिमिट क्रॉस की तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। बस नीलम, स्टॉप इट प्लीज। ऐसे कैसे बात कर सकती हो तुम मलिष्का से? ये हमारी मलिष्का है, ये जो भी कह रही है जो भी कर रही है सिर्फ इसलिए क्योंकि मेरी बेटी तुम्हारे बेटे से प्यार करती है। इसे प्यार करने की इतनी बड़ी सजा मत दो, और मलिष्का ही नहीं, मैंने ऋषि का भी प्यार देखा है। तुम्हें देखना चाहिए कि ऋषि कैसे रिएक्ट करता है, कैसे बिहेव करता है जब मलिष्का जरा सा भी नाराज हो जाती है। तो हम जानते हैं ऋषि मलिष्का से प्यार करता है, दोनों एक दूसरे से प्यार करता है, ये बात हम जानते हैं। लेकिन आंटी बात सिर्फ इतनी सी है, हमें ऋषि की लाइफ में लक्ष्मी वापस चाहिए, बस। लक्ष्मी भी प्यार करती है तुम्हारी ही तरह ऋषि से, जान बचाइए उसने हमारे बेटे की, हमारी आंखों के सामने बार बार अपनी जान पर खेलकर ये सोचे बिना कि उसके साथ भी कुछ हो सकता है। पंडित जी ना बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, हर बार जब लक्ष्मी ने ऋषि की जान बचाई तो वो खुद भी जख्मी हुई, उसे भी चोट आई। वो लड़की बार बार हमारे बेटे की जान बचा रही, ये जाने बिना कि उसकी कुंडली ही ऐसी है। उसकी कुंडली में वो शक्ति है कि वो हमारे बेटे की जान बचा सकती है। वो हमारे बेटे को मार्केश दोष से बचा सकती है। सब जानते हैं हमने ऋषि की शादी लक्ष्मी से सिर्फ इसलिए करवाई थी क्योंकि उसकी कुंडली ऐसी है, उसकी कुंडली में वो भाग है, वो हमारे बेटे को मार्केश दोष से बचा सकती है, इसीलिए तो शादी करवाई।